सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली महिंद्रा थार की मॉडिफिकेशंस के ऊपर। मेरे भाई ने रिसेंटली इस गाड़ी को परचेज़ किया था एंड काफ़ी टेस्टफुली इस गाड़ी को मॉडिफाई करा रखा है फ्रॉम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो आज इस वीडियो में हम इस पूरे गाड़ी को कवर करेंगे, देखेंगे क्या क्या तरीके की मॉडिफिकेशंस इस गाड़ी में हो रखी है, क्योंकि इस गाड़ी का हर एक चीज़ बदला गया है, इसकी ऑडियो सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, इंटीरियर वगैरह सब कुछ। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को पूरा कवर करने वाले हैं, देखेंगे इस गाड़ी की जो मॉडिफिकेशंस हुई है जिस प्राइस पॉइंट पे, वो क्या ये वर्थ है या फिर नहीं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी है मॉडिफिकेशंस के साथ वो कितनी पड़ी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, हम प्रेस बेल आइकन, सो विदाउट फर्दर डू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट लुक के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो फ्रंट लुक महिंद्रा थार की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक के साथ आती है। मतलब नई वाली जो थार है उसकी लुक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब मिनी रैंगलर आप इसे कह सकते हो। और इसमें जो आपको हेडलाइट्स देखने को मिलती थी वो आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट है वो मॉडिफाई करा दी गई है। यहाँ पे आपको फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे इसकी बीच वाली जो है यहाँ पे मतलब DRL प्लस आपकी इंडिकेटर वाला यहाँ पे वो ओवरऑल जो काम करती है। एंड इसमें आपको प्रॉपर LED हेडलाइट देखने को मिलती है, जिसकी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे है। और रात में मतलब काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका रोड पे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक नाइट शॉट भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप देखोगे तो इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो आपको प्रॉपर हेलोजन ही देखने को मिलती है, मतलब प्रॉपर स्टॉक देखने को मिलती है। जहाँ पे इंडिकेटर है ऊपर आपको DRL देखने को मिलती है वाइट कलर की। अब बात करें इसके बम्पर के बारे में, तो बम्पर भी आपको प्रॉपर स्टॉक में आपको देखने को मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसकी जो फॉग लाइट है वो आपको अब चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप फॉग लाइट देखने को मिलता है, जिसको अब चेंज करके लेज़र फॉग लाइट इसमें इंस्टॉल करा रखा है। और मतलब इसकी भी रिस्पॉन्स, आई टेल यू गाइस, इसकी जो हेडलाइट है उससे ज़्यादा तगड़ा इसका फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है, और पूरे रोड को ये कवर करती है। एंड इवन जो इसकी जो बीम है वो एग्जैक्ट एक पॉइंट पे जाके गिरती है, और इतना सही रिस्पांस आता है, इतना सही लुक आता है रात के टाइम पे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसका एक नाइट शॉट में आपको लेके इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोग को एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा कि इसकी ओवरऑल जो लाइटिंग का जो सिस्टम लगाया गया है इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट, वो कैसा आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स यहाँ पर देने वाला है एट द नाइट टाइम। एंड इवन कि अगर आप इसके दिन में भी अगर आप इस गाड़ी को लाइट इसकी जो DRL है उसे ऑन करके चलोगे, तो ये गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा बल्कि लुक लगता है। एंड इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो मॉडिफिकेशंस करा रखी है इसकी लाइटिंग को लेकर, लाइटिंग की वजह से इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है और काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगने लगता है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है, जिसकी जो ग्रिल है वो आपको प्रॉपर स्टॉक है, यहाँ पे आपको ग्रिल में कोई चेंजेस नहीं करा रखा है। एंड इस गाड़ी को ना काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई करा रखा है मेरे भाई ने, मतलब कोई आपको सच कोई ओवर मॉडिफिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है फ्रॉम द फ्रंट। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो स्टॉक लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं अगर साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी का आपको ओवरऑल लुक चेकआउट कर रहा हूं, तो साइड प्रोफाइल से आपको सच कोई भी यहां पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। इसकी जो व्हील आर्क है यहाँ पे अब आपको काफ़ी अच्छा एक एलिमेंट देखने को दिया गया है, जिस वजह से इसकी जो ओवरऑल जो लुक है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा इनहांस और काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगने लगता है। टायर की तरफ ध्यान दे तो टायर आपको वही स्टॉक ही देखने को मिलता है। मतलब इसकी जो स्टॉक अलॉय की जो लुक है ना गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और मतलब टायर के साइज़ के बारे में बात करें तो टायर भी आपको स्टॉक है 255, 65, 18 इंचेस की। एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये टायर काफ़ी ज़्यादा वाइड लगता है, मतलब कैमरा टर्न जस्टिस नहीं कर पा रहा है, बट अगर आप पर्सनल में देखोगे तो ये गाड़ी का आपको समझ में आ रहा होगा। थार की आपको बैजिंग देखने को मिलती है वहाँ पे, और अगर आप इसके रियर साइड भी मिरर पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको थार की बैजिंग देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर थार की साइड लुक के बारे में हम बात करें ना, तो साइड लुक अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और जो स्टॉक गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक के साथ देखने को मिलती थी। ये आपकी हार्ड टॉप वाली वेरियंट है, इसमें आपको एक सॉफ्ट टॉप भी देखने को मिलता है, कम्फर्टेबल भी आपको देखने को मिलता है। रियर से इस गाड़ी के बारे में बात करें तो रियर में भी आपको एज सच कोई चेंजेस देखने को नहीं दी गई है, आपको वही स्टॉक टेल लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक के साथ आती है। और मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसे चेंज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो स्टॉक जो टेल लाइट है वो भी काफ़ी अच्छी लुक है उसकी, और नाइट टाइम में भी वो काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कराता है गाड़ी को। अब इसका जो सबसे बड़ा मेन हाईलाइट है इस गाड़ी का, वो ये है कि इसकी जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई हो रखी है। तो चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर आपको किस तरीके से देखने को मिलती है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि इस गाड़ी की जो इंटीरियर ये प्रॉपर मॉडिफाई हो रखी है। मतलब स्टॉक जो गाड़ी आती है उसमें आपको फुल्ली ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता था, बट अब जो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस के बाद इसकी जो इंटीरियर है वो यहाँ पे आपको
वाइट और मतलब वाइट नहीं, ऑफ वाइट आप इसे बोल सकते हो या फिर बेज कलर आप इसे बोल सकते हो, बेज और ब्लैक कलर की आपको ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन के साथ दी गई है। और यहाँ पे इसकी जो वुडन फिनिश कराई गई है इस गाड़ी में थार जहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है, इवन जो आर्मरेस्ट है उस पर जो वुडन फिनिश आपको करा रखा है इस गाड़ी में वो काफ़ी अच्छा लुक देता है इस गाड़ी को। मतलब आप डोर का ओवरऑल लुक ले सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है और जो लुक है गाड़ी की वो और ज़्यादा इन्हांस हो गई है। अब यहाँ पे बात करें इस गाड़ी की सीट्स के बारे में, तो सीट भी यहाँ गाड़ी की अब मॉडिफाई हो रखी है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ अब आप यहाँ पे सीट देखने को मिलती है जहाँ पे आपको हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिलता है। एंड ये प्रॉपर लेदर सीट कवर है, मतलब ओरिजिनल लेदर जिसे आप बोलते हो। यहाँ पे आपको नेकरेस्ट आप देख सकते हो वो लगी हुई है, तो आप देख सकते हो इसकी जो इंटीरियर है प्रॉपर मॉडिफाई हो रखी है। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश की ग्रैबल देखने को मिलती है, मतलब लेदराइट आपको इसमें जो डैशबोर्ड है उसका कवर आपको देखने को मिलता है। एंड अगर आप देखोगे तो इसकी जो नीचे की जो पार्ट है मतलब डैशबोर्ड की नीचे वाली पार्ट वो बेज कलर में आपको देखने को मिलती है। सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो वो भी आपको प्रॉपर वुडन फिनिश में आपको स्टॉक एंड्रॉयड जो स्टीरियो देखने को मिलता है वो है। और यहाँ पे आपके एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे आपको बटन्स हैं, यहाँ पे आपको गियर लीवर्स है। गियर लीवर की कंसोल के बारे में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जो वुडन फिनिश के साथ देखने को मिलता है। इस गाड़ी की जो लुक है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। एंड यहाँ पे इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी देखने को मिलती है अगर आप देख पा रहे होगे तो। डे लाइट में आपको उतना पता नहीं चल पा रहा होगा बट नाइट टाइम में काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स है इस गाड़ी की। एंड यहाँ पे इसकी एम्बियंट लाइटिंग की जो रिमोट है वो आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको म्यूज़िक के साथ इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो सिंक हो जाती है और काफ़ी अच्छा एक लुक देता है ओवरऑल गाड़ी की। अब यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ये जो लेदर में रैप किया गया है जो कि बेज कलर में है। एंड इसकी जो स्पीडोमीटर कंसोल है गाइस वो भी काफ़ी अच्छी लुक के साथ आपको देखने को मिलती है, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको बीच में MID देखने को मिलती है, एनालॉग आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर गार्निश है वो आपको अगेन जो वुडन फिनिश में दी गई है और काफ़ी अच्छा एक लुक भी देता है गाड़ी की। अगेन इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया गया है, मतलब ये जो 2020 थार है ना ये बहुत सही है, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल्स की सारी सेटिंग्स देखने को मिलने वाली है। एंड अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी की रूफटॉप भी प्रॉपर मॉडिफाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर हनीकॉम डिज़ाइन की आपकी जो मॉडिफिकेशंस है जो रूफ है वो आप करा रखी है और काफ़ी अच्छा लुक निखर के आ रहा है। इसकी जो सनशेड है उसकी भी आप लुक ले सकते हो, वो भी प्रॉपर हनीकॉम डिज़ाइन के साथ देखने को मिलती है। एंड इसकी जो स्पीकर ग्रिल्स है वहाँ पे भी आपको प्रॉपर जो वुडन गार्निश है वो आपको देखने को मिलती है। एंड रियर सीट के बारे में अगर हम बात करें तो रियर सीट भी इस गाड़ी की प्रॉपर मॉडिफाइड है, आप देख सकते हो प्रॉपर हनीकॉम डिज़ाइन के साथ है। एंड आर्मरेस्ट भी यहाँ पे लगा रखी है जिसमें आपको सीरियल लाइटर देखने को मिलती है, कप होल्डर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लुक लगता है गाड़ी का ओवरऑल, मतलब इंटीरियर भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई करा रखी है। इसकी जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी अपग्रेड है, मतलब स्टॉक में आपको डुअल ट्विटर एंड चार स्पीकर का आपको ओवरऑल जो सेटअप है वो देखने को मिलता था, बट यहाँ पे अब जो इसकी जो सिस्टम की जो ओवरऑल जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर JL ऑडियो का स्पीकर देखने को मिलती है जिसमें आपको चार स्पीकर एंड चार ट्विटर का एंड एक सब बूफर का आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसमें साथ आपको एम्पलीफायर दो लगाई गई है। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए सुनते हैं इस गाड़ी की जो म्यूज़िक सिस्टम है वो आपको कैसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने इस सिस्टम को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है, अब चलिए प्ले करते हैं कैंसियस की म्यूज़िक और देखते हैं इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो आपको कैसी देखने को मिलती है। सो लेट्स गो। सो इसकी जो म्यूज़िक सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा तगड़ी है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब रियली में इसकी जो स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम आती थी वो प्रॉपरली अब चेंज कर दी गई है
और मतलब अब जब भी इसमें कोई भी गाना सुनोगे ना, तो आपको प्रॉपर एक आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगा। एंड रियली में काफ़ी अच्छा क्लैरिटी, काफ़ी अच्छा बेस, मतलब आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके जो एसी वेंट्स है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक अटेंशन डिटेल मतलब कार्बन फाइबर फिनिश में आपको दिया गया है, जो कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो डैशबोर्ड की जो लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का मॉडिफिकेशन इसमें देखने को मिलने वाले, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिला के। सो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो कॉस्टिंग पर ही है वो आपको कितनी देखने को मिलती है। तो इस गाड़ी में जितनी भी मॉडिफिकेशंस मैंने आपको अभी दिखाया, इसकी लाइटिंग हो गई, इसकी म्यूजिक सिस्टम हो गया, इसके जो इंटीरियर है वो हो गई, तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल कॉस्टिंग है, तो मैं आपको एग्जैक्टली कॉस्टिंग नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको इतना अंदाज दे सकता हूँ कि आपकी ये ओवरऑल 3 लाख के अप्रॉक्स पर ही है। मतलब इसकी जितनी भी मॉडिफिकेशंस करा रखी है, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर और म्यूजिक सिस्टम वगैरह को लेके। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस गाड़ी की जो भी मॉडिफिकेशन हुई है, जो प्राइस पॉइंट पे हुआ है, वो मुझे वर्थ लगता है, क्योंकि जो मटेरियल्स इसमें यूज किए गए हैं वो कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा ऑब्वियस है, बट अगर आप इन पर्सन देखोगे ना तो वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगी। और जितनी भी इसकी जो लेदर हो गई, उसकी जो फिनिशिंग है, जो सीट कवर है उसकी जो फिनिशिंग है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। जो लाइटिंग है उसकी, जो रिस्पॉन्स है गाइज, वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस गाड़ी के एक नाइट शॉट लेके मैं डाल दूँ। बस यही वीडियो था गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो थार की जो मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर जो ये वीडियो मैंने बताया है, वो आपको पसंद आया होगा, कुछ आइडिया लग चुका होगा कि अगर आप नई थार लेने का सोच रहे हो और ये भी आप सोच रहे हो कि आपको उसे मॉडिफाई करानी है, तो आप लोग थोड़ी बहुत अंदाजा यहाँ पे मिल चुका होगा। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड अगर चैनल पर नए हो गाइज तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को जाए। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी बाइक का, यू कैन जस्ट मेल मी ऑन hmo1299@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, दिस इज hmo2world साइनिंग ऑफ।